उन्होंने एक रिपोर्ट तैयार की पूरे हिंदुस्तान के बारे में और मध्य प्रदेश के बारे में, कहा कि देखो यहां पे हिंदुस्तान को छोड़ो जितनी भूख अफ्रीका में है उतनी मध्य प्रदेश में है। इनको यह समझ नहीं आता है कि जब कोई भूखा रहता है, जब पेट में दर्द होता है, तो विकास की बात शुरू ही नहीं हो सकती। ये सोचते हैं ये लोग सोचते हैं कि सड़क बना दो, आदिवासियों को इस साइड खड़ा करो और उस सड़क में बड़ी बड़ी चमकती गाड़ियों को निकालो। आदिवासी लोग इसको देखें, गाड़ियों को देखें, और उसको ये लोग विकास कहते हैं, उसको ये लोग प्रगति कहते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बात कहना चाहता हूं, कांग्रेस पार्टी की सरकार आए, चाहे कोई भी सीएम बने, एक बात की मैं आपको गारंटी देता हूं, आदिवासी महिलाओं की, आदिवासी युवाओं की, गरीबों की इज्जत होगी इस प्रदेश में। और अगर कोई इज्जत नहीं करेगा तो उसको हम देखेंगे। इससे बड़ा काम हमारे लिए कोई नहीं है। देखो मैं आपको एक कमलनाथ यहां बैठे, मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं, इज्जत का मतलब क्या होता है मैं आपको बताना चाहता हूं और क्षमा मांगना चाहता हूं। ये कहानी मेरी मां के बारे में है, बोलना नहीं चाहिए, मगर मैं सोच रहा था, भूख के बारे में सोच रहा था, तो मैं कहना चाहता हूं। भोजन के अधिकार की बात हो रही थी, सबसे पहले सालों के लिए उसको रोकने की कोशिश की, बीजेपी के लोगों ने रोकने की कोशिश की, लड़ाई लड़े हम आगे पीछे यहां वहां, और फिर दिन आया जब पार्लियामेंट में बिल पास करना था। ऐतिहासिक बिल है, पहली बार हिंदुस्तान में कोई भूखा नहीं जाएगा, कोई भूखा नहीं जाएगा। ये जो महिलाएं यहां बैठी हैं, आपको मालूम होना चाहिए कि आपके जो बच्चे हैं बिल के बाद कभी भूखे नहीं जा सकते, चाहे कोई भी हो, दलित हो, आदिवासी हो, किसी भी जात का हो, किसी भी धर्म का हो, गारंटी करके उसको एक रुपए का अनाज दिया जाएगा पूरे हिंदुस्तान में। और गारंटी कौन करेगा? कांग्रेस पार्टी करेगी। क्यों करेंगे? क्योंकि हम आपकी भूख को समझते हैं, आपकी लड़ाई को समझते हैं। मगर मैं वापस पार्लियामेंट जाना चाहता हूं। बिल पास हो रहा था, मैं बैठा था पीछे और मैं आगे देख रहा था, और मुझे मालूम था कि मेरी मां की तबीयत ठीक नहीं थी, तो मैं देख रहा था हर 5-10 मिनट, जैसे आपके बच्चे आपके साथ करते हैं या कोई युवा अपनी मां के साथ करता है, मैं देख रहा था कि मां ठीक है या नहीं, और हर 5-10 मिनट मैं उधर देख रहा था। थोड़ी देर बाद मेरी मां उठी और शैलजा जी हैं, मंत्री हैं, उनके साथ वो निकल गए। तो मैंने सोचा कि भाई अजीब समय निकलने का, थोड़ा घबराया हुआ था मैं, उठ गया और मैं पीछे गया, पार्लियामेंट हाउस में कमरा है पीछे, मैं चाहता हूं यहां जो जवान युवा खड़े हैं, आदिवासी युवा खड़े हैं, एक दिन मैं चाहता हूं कि आप भी उस कमरे को देखो, और मैं डालूंगा आपको, एक को नहीं
एक को नहीं, बहुत लड़कों को डालूंगा लोकसभा में, आप देखना आने वाले समय में। मगर मैं उस कमरे में गया, पीछे गया, और मैं, मां बैठी थी, शैलजा जी बैठी थी, और मां बिल्कुल सीधी बैठी थी, तो मैंने सोचा ये क्या हो रहा है यहां पे। मैंने उनसे पूछा, भाई क्या बातचीत हो रही है इतनी जरूरी? तो शैलजा जी ने कहा, नहीं सोनिया जी की तबीयत ठीक नहीं है। तो मैंने कहा चलिए तबीयत ठीक नहीं है तो चलते हैं, क्योंकि आमतौर से वो कहती नहीं है, अगर बीमार होती है तो वो बताती नहीं है। तो मैंने उनको पकड़ा और मैं उनको ले गया कमलनाथ जी के कमरे में, याद है आपको कमलनाथ जी? और वहां मेरी मां ने मुझे कहा कि मैं यहां से नहीं जाऊंगी। मैंने उनसे कहा कि देखिए आप बीमार हैं, आपको अस्पताल जाना है, और उन्होंने कहा मैं नहीं जाऊंगी यहां से। और मैंने उनसे पूछा कि क्यों नहीं जाओगी? कमलनाथ जी ने कहा देखिए यहां वोट की आज कोई कमी नहीं है, आसानी से पास हो जाएगा। और उन्होंने मुझे बताया जब तक यह बिल पास नहीं होगा मैं यहां से नहीं जाऊंगी, तुम चाहे कुछ भी करना चाहते हो कर लो। मैं सालों से यह लड़ाई लड़ी हूं और मैं आज उस बटन को दबाऊंगी चाहे कुछ भी हो जाए। अब मैं बेटा हूं, प्रधानमंत्री के वहां डॉक्टर थे, मैंने उनको बुलाया और वो मां को देख रहे थे, मुझे आ रहा था गुस्सा, आप समझ सकते हो ना, मुझे आ रहा था गुस्सा कि भाई यहां बीमार है, जाना नहीं चाह रही है, वहां वोट है, कोई कमी नहीं है, बिल पास होगा। तब भी वो फिर से अंदर गई, मैंने उनको रोकने की कोशिश की मगर फिर से वो अंदर गई। मैं जाके पीछे बैठ गया और पहले हर 5 मिनट देखता था, अब हर 2 मिनट देखने लग गया। 10 मिनट हुए वो अपने आप उठ के वापस चली गई पीछे, और जब वो पीछे गई वहां बैठ गई, मैं अड़ गया। मैंने कहा अब अच्छा, वोटिंग हो रही थी, दरवाजे बंद हो गए थे, पार्लियामेंट में जब वोटिंग होती है दरवाजे बंद कर देते हैं, पर बंद हो गए थे। तब भी मैं अड़ गया, मैंने कहा नहीं अब अस्पताल जाना है। अस्पताल में गए, मैं घसीट के ले गया मां को, प्रियंका को फोन किया, कहा कि यहां पे मतलब आपकी भी मदद है, मां हिल नहीं रही है, चलो। तो हम दोनों अस्पताल गए, मां से सांस नहीं ली जा रही थी, सांस नहीं ली जा रही थी और आंसू आ रहा था एक, और मैंने उनसे पूछा ये क्या है, और उन्होंने बोला राहुल मैं उस बिल के लिए लड़ी थी, मैं उस बटन को दबाना चाहती थी, दबा नहीं पाई। ये इज्जत होती है, ये राजनीति नहीं होती है जो यहां पे रोज चलती है, ये इज्जत होती है। मेरी मां है, मैंने आपको अंदर की बात बता दी जो मुझे लग रही थी। हम भोजन की बात करते हैं, वो मेरी एक मां है, हिंदुस्तान में लाखों मां हैं जिनके आंख में आंसू आता है जब वो अपने बच्चों को देखती है और अपने आप से पूछती है भाई इसका होगा क्या, पेट भूखा है, रोजगार नहीं है, और ये लोग विकास की बात करते हैं, सड़कों की बात करते हैं, चमकते हुए होटल की बात करते हैं, एयर कंडीशन कमरों से बात करते हैं। मैं एक नए प्रकार की राजनीति चालू करना चाहता हूं, जहां जो राजनेता है वो पहले आपकी इज्जत की बात करे, आपके घर में आए, आपके साथ खाना खाए, आपसे पूछे भैया क्या बात है। एक ऐसी राजनीति जहां आम आदमी उस लोकसभा के बंद कमरे में दिखे, विधानसभा के अंदर दिखे, वैसी राजनीति चालू करना चाहता हूं।
और ये लोग क्या चाहते हैं मैं आपको बता देता हूं, और अच्छी तरह सुनो, ये लोग क्या चाहते हैं। ये लोग चाहते हैं कि आम आदमी, आप जैसा आम आदमी, आदिवासी, दलित, गरीब आम आदमी उन कमरों में ना घुसे, लोकसभा में ना घुसे, विधानसभा में ना घुसे, पंचायत में ना घुसे। और नुकसान किसका होता है? राहुल गांधी का नहीं होता है, हिंदुस्तान का नुकसान होता है। सड़कें बननी है, और मेरे पास यहां आंकड़ा है, अभी मैंने लिखवाया, ढूंढता हूं, नंबर भूल गया, ये लिखा है मेरे पास। एनडीए की सरकार ने 2600 किलोमीटर सड़क बनाई, सुनी बात, 2650। यूपीए की सरकार ने उतने ही समय में, हमारी सरकार ने, कांग्रेस पार्टी की सरकार ने उतने ही समय, 5 साल में 9570 किलोमीटर सड़क बनाई। अब ये कहते हैं कि विकास की बात करनी है, सड़क हम ज्यादा बनाते हैं। अच्छा, बिजली की बात करता हूं आपसे, बिजली का भी आंकड़ा है मेरे पास। बिजली में शिवराज चौहान जी यहां आए, याद होगा आपको, शिवराज चौहान जी आए, नहीं नहीं अभी बताता हूं, और चार जगह उन्होंने बिजली की बात की। 500 मेगावाट का कारखाना बिरसिंहपुर, याद है, 800 मेगावाट चंदिया, 800 मेगावाट ब्योखारी, और 50 मेगावाट चाचाई। कितना होता भैया सब जोड़ के, हैं? हाँ, कितना मिला आपको? जीरो, जीरो, कुछ नहीं, काम शुरू भी नहीं हुआ। तो एक तरफ ये विकास की बात करते हैं, शाइनिंग इंडिया की बात करते हैं, और दूसरी तरफ जब हम भोजन की बात करते हैं, जमीनी अधिकरण की बात करते हैं, सूचना के अधिकार की बात करते हैं, तो फिर ये पूछते हैं भैया ये क्या हो रहा है, पैसा जाया हो रहा है, पैसा क्यों जाया हो रहा है? यहां आदिवासी हैं, जमीन भैया किसकी जाती है बताओ, जोर से बताओ, मुझे सुनाई नहीं दे रहा है, जोर से बताओ, आदिवासियों की जाती है, कितना पैसा मिलता है आपको? कुछ नहीं मिलता है। किसकी लड़ाई लड़ी हमने? आपकी लड़ाई लड़ी, भट्टा पसौल में, अलीगढ़ में, यहां। अब क्या होगा? सिंधिया जी ने बोला, पहले क्या होता था भैया, आपकी जमीनें हट जाओ, परे हो जाओ, सरकार जमीन को ले रही है। अब क्या होगा? अगर जमीन चाहिए तो मार्केट रेट पैसा देना पड़ेगा, चाहे वो आदिवासी हो, चाहे वो गरीब हो, चार गुना। गुना इनकी कंस्टिट्यूएंसी का नाम भी है, चार गुना। अच्छा, एक और सवाल पूछना चाहता हूं, यहां युवा है, आपको रोजगार मिला? नहीं, जोर से बोलो, जोर से बोलो, सुनाई नहीं दे रहा है। आपको शिक्षा मिली? शिक्षा नहीं मिली। जो डर मुझे पार्लियामेंट में लग रहा था,